शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी ने देश की आजादी लिए बेमिसाल कुर्बानी जी की दुनिया चर्चा होंगी है। फांसी के रस्से ने चुम के उन्होंने शहीदियां दीतियां, उन्हों की शहीदी ने भारत के लोगों को ऐसी चिणग लाई कि अंग्रेजा देश आजाद छड़न लिए मजबूर जरा होना पड़ा। सो पंजाब के हर नौजवान के देश के हर नौजवान के शहीद आजम भगत सिंह रोल मॉडल ने। वो 23 साल के सी जिस वे शहीद हुए, वो अज भी 23 साल के ने, 23 साल की रहन की अमर ने। तो इस अलावा देश आजाद होने बाद देश के संविधान जोड़ा डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्होंने संविधान लिखे है, इस करके उन्होंने संविधान के निर्माता कहा जाता है। इस तरह के महान शख्सियतों को हमेशा याद रखना चाहिए तो उन्होंने जिंदगी को सेध लेनी चाहिए है। इसलिए इस सदन राज सरकार को पुरजोर सिफारिश करता हाँ कि शहीद भगत सिंह डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के बुत पंजाब विधानसभा लाए जाने लिए जो कार्रवाई की जा सके, लोगों के नुमाइंदे उन्हों को सेध लै सकन ते निरस्वार्थ भावना नाल देश की सेवा कर सकन। जी जी मां जी, मैं पहला प्रस्ताव पेश कर लाई। मैं प्रस्ताव पेश किया गया कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह देश की आजादी की खातर फांसी के रस्सियां नूं चुम के शहीदी प्राप्त कर गए अते उन्हां दी शहीदी ने भारत के लोगों विच ऐसी चिणग लगाई कि अंग्रेजा नूं देश आजाद करने लई मजबूर होना पिया। पंजाब का हर नौजवान अते बछिंदा शहीद भगत सिंह नूं अपना आदर्श मानता है, साडा भी उन्हां प्रति कुछ करन दा फर्ज बनता है। इस तों इलावा देश आजाद होने तों बाद जदों साडे देश का संविधान लिखा जा रहा सी तां बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी का संविधान लिखण विच बहुत वड्डा योगदान रहा है। इसे करके उन्हां नूं संविधान दे निर्माता भी कहा जाता है। इस तरह की महान शख्सियत को हमेशा अपनी याद में रखना बनता है, सानू उन्हां दी जिंदगी तो सेध लैनी चाहिए है। इसलिए यह सदन राज सरकार को पुरजोर सिफारिश करता है कि शहीद भगत सिंह जी ते बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बुत पंजाब विधानसभा में लगाए जाने लई योग कार्रवाई की जाए ता जो लोगों के नुमाइंदे उन्हां तो सेध लै सकन अते निस्वार्थ भावना नाल देश की सेवा कर सकते।